हेलो दोस्तों, आप में से जो जो लोग डंकी को गाली दे रहे हो ना, जाकर प्रभास की सलार देखाओ। कसम सिनेमा मैया की डंकी की तारीफ में आधा किलोमीटर लंबे कसीदे पढ़ोगे। भाई साहब, सिनेमा के नाम पर क्या टॉर्चर है ये फिल्म। केजीएफ वाले प्रशांत नील ने 3 घंटे का ऐसा सरदर्द बनाया है कि थिएटर से घर आने के बाद 3 घंटों के लिए ही सोना पड़ा। उसके बाद ही सलार का रिव्यू लिखने और रिकॉर्ड करने की मैंने हिम्मत जुटाई। मतलब माइंडलेस वायलेंस दिखाना एक बात है जो कि इस फिल्म में भर भर के है, लेकिन उसे दिखाने से पहले एक एक घंटे का बिल्ट अप लेना तो निहायत ही मूर्खतापूर्ण डायरेक्शन है। प्रभास का एक्शन दिखाने से पहले फर्स्ट हाफ में भी और सेकंड हाफ में भी एक एक घंटे लंबे बिल्ड अप्स हैं कि आदमी अब मारेगा तब मारेगा। अरे भाई, मरो मारो और पिक्चर को खत्म करो यार। फिर हर सीन में एक एक किलो वजनी शोर भरना भी अपने आप में बड़े टैलेंट का काम है। प्रशांत नील साहब को सलार के हर टिकट के साथ डिस्प्रिन की टैबलेट फ्री बांटनी चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा शोर और सर दर्द है इस फिल्म में कि अगर आप थिएटर में गलती से स्पीकर्स के पास वाली सीट पर बैठ गए ना, तो आपका माइग्रेन ट्रिगर होना पक्का है। मुझे तो अब ये भी लगता है कि म्यूजिक डायरेक्टर रवि बसरूर के हाथों में आने से हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डरता होगा, क्योंकि ये साहब इतनी लाउड नॉइज अपनी फिल्मों के हर सीन में डालते हैं, जैसे कि हर वाद्य यंत्र पर अत्याचार कर रहे हों। और ना 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 ना, सलार का सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर लाउड नहीं है, लाउड होने के नाम पर ये पूरी फिल्म ही बेइंतहा लाउड है। न सिर्फ इसका हर विलेन जंगली और लाउड है, बल्कि छोटे छोटे बच्चे तक बात करने के नाम पर इतनी जोर से चीखते हैं कि प्रशांत नील की सिनेमैटिक सेंसिबिलिटी पर हैरानी होती है। एक तो उन्होंने किसी ग्राफिक कॉमिक नॉवल की तरह अपनी पूरी पिक्चर ग्रेफाइट सी काली कर रखी है, ऊपर से 300 और सिन सिटी जैसी स्टाइलिश फिल्मों का भी उन पर जबर हैंगओवर है। इस पर प्रभास को सबसे खतरनाक हीरो बनाने के लिए जो सारे जतन वो करते हैं, वो लगभग सारे ही पानी में मिल जाते हैं, क्योंकि प्रभास में वो स्टाइल वो स्वैग है ही नहीं जो कि केजीएफ वाले यश में था। अपने हीरो को डायनासोर कहने भर से कुछ नहीं होता, उसमें सच में यादगार स्क्रीन प्रेजेंस होनी चाहिए। ज्यादातर फिल्म में प्रभास का एक सा थका हुआ एक्सप्रेशन रहता है और आखिरी आखिरी में ही उनकी एक्टिंग और एक्शन की इंटेंसिटी थोड़ी बहुत निखरती है, लेकिन तब तक सलार इतना झिला देती है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और फिर जब पता चलता है कि दोस्त बने दुश्मन वाली अपनी बासी कहानी भी प्रशांत नील ने पूरी नहीं सुनाई है, बल्कि सलार के पार्ट 2 के लिए बचा ली है, तो बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन इस बात का भी होता है कि जो सारे एक्शन सीक्वेंसेस हैं, उसमें से कई में कोई खास एक्शन कोरियोग्राफी तक नहीं देखने को मिलती। प्रभास बस खड़े खड़े सिर्फ मुक्काला तलवार चलाते रहते हैं और लोग बाग हवा में उड़ते जाते हैं। हाँ, काली की मूर्ति के सामने का एक एक्शन सीक्वेंस बेइंतहा लाउड होने के बावजूद इम्प्रेसिव है, और बहुत ज्यादा लंबे क्लाइमैक्स में भी एक्शन अच्छा है। खासकर प्रभास और पृथ्वीराज का जोम्बी से फाइट करना सलार का सबसे बढ़िया एक्शन सेट पीस है। बाकी सलार का फील और लुक बहुत कुछ केजीएफ जैसा ही है, वैसी ही एक अलग जगह यहाँ भी बसाई गई है। नाम है खानसार, जिसकी वर्ल्ड बिल्डिंग कसम से एक अलग ही तरह का सरदर्द है। दोनों ही फिल्मों में कुर्सी की ही लड़ाई है, यहाँ भी हीरोइन की कोई मजबूत प्रेजेंस नहीं है। माँ का इमोशनल एंगल यहाँ भी है, और यहाँ भी वायलेंस पसंद करने वाला पागल नायक है, लेकिन इस वाले के पास यश वाला करिश्मा नहीं है। मुझे याद नहीं कि प्रभास ने बाहुबली के बाद किसी भी फिल्म में उतनी ही इम्प्रेसिव एक्टिंग की हो, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सलार भी अपवाद नहीं है। श्रुति हसन भी कमाल की बेकार एक्टिंग करती है। और केवल और केवल पृथ्वीराज सुकुमारन बेहतरीन इंटेंस अभिनय करते हैं। पूरी फिल्म में मैं यही सोचता रहा कि अगर ये बंदा मेन हीरो होता तो क्या गजब की परफॉर्मेंस देता, क्या गजब के एक्सप्रेशंस देता। लेकिन पैन इंडिया सुपरस्टारों वाले इस दौर में कड़वा सच यही है कि तगड़े एक्टर्स यूं ही साइडलाइन होते रहेंगे। ये ऑनेस्ट रिव्यू अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और डंकी वर्सेस सलार की बहस में अगर आप भी उलझे हैं तो मेरे हिसाब से तो आपको डंकी ही देखनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।